दोस्तों भारत में क्रिकेट और बॉलीवुड के अलावा और एक चीज भी काफी पॉपुलर है और वह है न्यूज की दुनिया। आज के समय में हम पत्रकारिता बहुत ही फेमस हो चुकी है और इसे इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे अच्छे प्रोफेशनल माने जाते हैं, क्योंकि न्यूज एंकर और न्यूज चैनल लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। भारत में वैसे कई सारे न्यूज एंकर हैं जिनके बोलने के तरीके से आज उनका चैनल सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है और इसके कारण इनको करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 न्यूज एंकर के बारे में बताएंगे जो हर महीने लाखों या फिर करोड़ों की सैलरी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं निधि राजदान। दोस्तों निधि राजदान एक बहुत ही फेमस इंडियन जर्नलिस्ट और टीवी पर्सनैलिटी है। वह NDTV के एग्जीक्यूटिव एडिटर है और NDTV 24/7 में न्यूज शो की एंकर है। वह अपने बोल्ड अंदाज के लिए काफी पॉपुलर है और दुनिया भर में वह काफी सारे शो होस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट्री में भी वह काम कर चुके हैं। हर हफ्ते में एक डिबेट शो आते हैं जिसका नाम है दी बिग फाइट, जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। बात करें उनकी सैलरी की तो उन्हें हर महीने 30 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और उनके एनुअल पैकेज की बात करें तो उनको एनुअल पैकेज 4 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है। नंबर 2, श्वेता सिंह। दोस्तों श्वेता सिंह का नाम कौन नहीं जानता। इनका न्यूज प्रेजेंटेशन लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वह पहले जी न्यूज में काम करते थे लेकिन आज वह आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में काम करते हैं। अपने जीवन में कई सारे स्ट्रगल करने के बाद आज वह इस लेवल पर पहुंच चुकी है। इनकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा है कि इन्हें मुंह मांगी सैलरी मिल जाती है। इन्हें हर महीने लगभग 10 लाख की सैलरी मिलती है और इनके एनुअल पैकेज की बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास होता है। नंबर 3, अंजना ओम कश्यप। दोस्तों इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर की बात करें तो उसमें सबसे पहले अंजना ओम कश्यप का नाम आता है। इनका बोलने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आता है कि लोग इन्हें सुनने के लिए इनका शो देखते हैं। अंजना ओम कश्यप आज तक चैनल की सीनियर जर्नलिस्ट एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में काम करते हैं, जिसके कारण इनकी सैलरी भी काफी ज्यादा है। इन्हें हर महीने लगभग 80 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और एनुअल पैकेज की बात करें तो करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास होता है। दोस्तों क्या आप भी अंजना ओम कश्यप को देखना पसंद करते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4 पर आते हैं सुधीर चौधरी। दोस्तों इंडिया के मोस्ट पॉपुलर न्यूज एंकर के लिस्ट में सुधीर चौधरी का नाम आता है। वह जी न्यूज के सीनियर एडिटर और बिजनेस हेड के रूप में काम करते हैं। उनके होस्ट किए जाने वाले शो DNA यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उनको हर महीने लगभग 25 लाख की सैलरी मिलती है और उनका एनुअल पैकेज भी 3 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन दुख की खबर यह है कि उन्होंने जी न्यूज छोड़ दिया है और आज तक चैनल को ज्वाइन किया है जहां पर वो ब्लैक एंड व्हाइट शो को होस्ट करते हैं। नंबर 5, रविश कुमार। दोस्तों लोगों के बीच रविश कुमार एक काफी ज्यादा पॉपुलर नाम है। वह NDTV इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रूप में काम करते हैं। इनकी प्राइम टाइम हम लोगों को रविश की दुनिया लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। उन्हें पत्रकारिता के लिए साल 2019 में रेमन मंचे से अवार्ड मिला था। वैसे तो वह दिखने में काफी सिंपल है लेकिन उनकी सैलरी काफी ज्यादा है। उन्हें हर महीने लगभग 20 से 25 लाख की सैलरी मिलती और उनका एनुअल पैकेज की बात करें तो उन 5 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है। नंबर 6, रजत शर्मा। आपकी अदालत जैसे शो को होस्ट करने वाले बहुत ही पॉपुलर रजत शर्मा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। रजत शर्मा एक जर्नलिस्ट, एंकर और एक न्यूज कस्टमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है। वह NDTV के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ के रूप में काम करते हैं। 2015 में बहुत ही अच्छे पत्रकारिता के तौर पर उन्हें पद्मभूषण अवार्ड भी मिला था। सिर्फ एक एंकर ही नहीं बल्कि वह कई सारे रियलिटी शो जैसे बिग बॉस में भी काम कर चुके हैं। बात करें इनके इनकम की तो इन्हें हर महीने 30 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और उनको एनुअल पैकेज 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है। नंबर 7, बरखा दत्त। दोस्तों बरखा दत्त लोग एक पावरफुल जर्नलिस्ट के तौर पर जानते हैं। वह NDTV में कई साल से जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। वह अपने न्यूज प्रेजेंटेशन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। NDTV के अलावा वह इंग्लिश न्यूज पोर्टल द क्विंट में भी काम करते हैं। उन्हें हर महीने लगभग 30 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है और इनके एनुअल पैकेज की बात करें तो इनको एनुअल पैकेज 5 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है। नंबर 8, रूबिका लियाकत। दोस्तों अगर बात करें इंडिया के सबसे पावरफुल जर्नलिस्ट की तो उसमें रूबिका लियाकत का नाम आता है। साल 2007 में लाइव इंडिया के एक न्यू एंकर के रूप में वह काम करने आई थी। उसके 2 साल बाद वह न्यूज 24 में सीनियर करस्पेंडेंट के रूप में काम करने लगी और बाद में वह जी न्यूज के साथ जुड़ गई। उनके सबसे पॉपुलर शो ताल ठोक के साल 2018 में वह जी न्यूज को छोड़ दिया और ABP न्यूज नेटवर्क में आ गई और वहाँ
प्राइम टाइम शो मास्टर स्ट्रोक में होस्ट करने लगी। बात करें उनके सैलरी की तो उन्हें हर महीने 10 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और उनके एनुअल पैकेज की बात करें तो उनका एनुअल पैकेज 1.5 करोड़ के आसपास होता है। नंबर 9, राजदीप सरदेसाई। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई एक न्यूज एंकर और एक लेखक के रूप में काफी ज्यादा पॉपुलर है। वह इंडिया टुडे के एडिटर के रूप में काम करते हैं। उनका एक खुद का कंपनी भी है जो है ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज यानी कि GBN, जो उन्होंने CNN के साथ मिलकर बनाया है। उन्हें हर महीने लगभग 80 लाख की सैलरी मिलती है और उनके एनुअल पैकेज की बात करें तो 10 करोड़ रुपए के आसपास उन्हें एनुअल पैकेज मिलता है। दोस्तों, अब नंबर 10 पर आते हैं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी को कौन नहीं जानता। अर्नब गोस्वामी की बात ना करें तो ये लिस्ट अधूरा ही रह जाएगा। वैसे तो वह बहुत सारे कंट्रोवर्सी एंकर है लेकिन उनके एंकरिंग स्पिरिट बहुत बढ़िया है। वह अपने बोल्डनेस के लिए इंडिया में मोस्ट पॉपुलर टीवी जर्नलिस्ट है। भारतीय न्यूज चैनलों में जर्नलिज्म की ये नई तरीक उन्होंने लाई है। वह रिपब्लिक टीवी के न्यूज एंकर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। बात करें उनके सैलरी की तो वह भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाले न्यूज एंकर है। उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है और उनके एनुअल पैकेज 12 करोड़ रुपए के आसपास होता है। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि ये रिपब्लिक टीवी के अकेले मालिक है और ये इंडिया के सबसे अमीर न्यूज एंकरों में से एक है। तो दोस्तों, इन 10 एंकरों में से आपका फेवरेट एंकर कौन सा है हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।